आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मेमोरी कार्ड्स के बारे में। अगर आपने अभी भी खरीदा है एक नया GoPro या एक नया ड्रोन या एक नया एक्शन कैमरा या लिया है एक नया DSLR या एक नया मिररलेस कैमरा और आप सोच रहे हैं कि यार उसका जो एक्सपीरियंस है मुझे ऐसे नहीं मिल रहा है, अच्छा नहीं मिल रहा है और उसका जो स्पीड है वो भी थोड़ा सा कम मिल रहा है और मेरा कैमरा शायद स्लो है, तो उसका एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है मेमोरी कार्ड्स। जी हाँ, मेमोरी कार्ड्स काफ़ी हद तक आपके कैमरा को स्लो कर सकते हैं अगर आपने सही वाला नहीं चुना है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रो ग्रेड के मेमोरी कार्ड्स के बारे में जिसको हम रेगुलरली यूज़ करते हैं पिक्सल विलेज में। तो यार क्या हाल है, वेलकम बैक टू पिक्सल विलेज हिंदी। मैं हूँ डीडी आपका यार। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, इसको अगर लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दो और अगर यहाँ पे नए हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। स्वागत है आप सबका पिक्सल विलेज हिंदी में। इस वीडियो के स्पॉन्सर्स हैं पिक्सल विलेज क्रिएटर अकेडमी। जैसा कि आप जानते हैं कि पिक्सल विलेज आज तक YouTube कंटेंट और ऑनलाइन क्लासेस के लिए फेमस था, लेकिन अब पिक्सल विलेज क्रिएटर एकेडमी लेके आ रहा है आपके लिए फोटोग्राफी, फिल्म मेकिंग और डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में ऑफलाइन कोर्सेज। क्योंकि ये डिप्लोमा कोर्सेज सेंट्रल गवर्नमेंट से लिंक्ड है, इसके लिए इसका फायदा स्टूडेंट्स को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे होगा। एक 10,000 स्क्वायर फीट का कैंपस स्टूडेंट्स के लिए पूरी तरीके से तैयार है पुणे के पिंपले सौदागर में। तो जरूर आइए पिक्सल विलेज क्रिएटर एकेडमी में। और जानकारी के लिए आप क्लिक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे और रजिस्टर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं तीन ऐसे कार्ड्स के बारे में जो प्रोग्रेड ने हमें भेजे हैं और हम बहुत रेगुलरली यूज करते हैं पिक्सल विलेज में। सबसे पहला है माइक्रो SD कार्ड, दूसरा है SD कार्ड और तीसरा है CF एक्सप्रेस। ये तीनों कार्ड्स के अलग अलग पर्पस होते हैं और अलग अलग तरीके से आप इनको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे हम माइक्रो SD कार्ड माइक्रो SD कार्ड के बारे में। अब जो माइक्रो SD कार्ड होते हैं वो छोटे होते हैं साइज़ में और ज़्यादा करके यूज़ होते हैं GoPros में, एक्शन कैमराज में, ड्रोन्स में, क्योंकि साइज़ में ऑब्वियसली छोटे हैं। और इसके बाद आता है SD कार्ड्स जो कि ज़्यादा करके हम यूज़ करते हैं हमारे मिररलेस कैमराज या DSLR में। माइक्रो SD कार्ड का एक और एडवांटेज है, वो ये है कि अगर आपके पास एक SD कार्ड अडैप्टर है तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू एन SD कार्ड और उसको भी यूज़ कर सकते हैं अपने मिररलेस या DSLR कैमरा में। और तीसरा है CF एक्सप्रेस कार्ड जो कि इन दोनों से काफ़ी ज़्यादा स्पीड में होते हैं और ये ज़्यादा करके यूज़ होते हैं प्रोफेशनल सिनेरियोज़ में। प्रोफेशनल सिनेरियो यानी कि अगर आप स्लो मोशन वीडियोज़ कर रहे हैं, हाई फ्रेम रेट वीडियोज़ कर रहे हैं या आप स्पोर्ट्स जर्नलिज्म या आप वाइल्ड लाइफ शूटिंग कर रहे हैं तो इसमें बहुत काम में आते हैं। और अगर आपके पास एक ऐसा मिररलेस कैमरा है जिसमें CF एक्सप्रेस कंपैटिबिलिटी है तो ये कार्ड को आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। अब प्रोग्रेड की एक बहुत अच्छी बात मुझे लगी है, वो ये है कि इनके मेमोरी कार्ड के साथ वो एक मेमोरी कार्ड केस देते हैं फ्री में और इसके साथ साथ सभी मेमोरी कार्ड्स पे वो लोग देते हैं 3 साल की वारंटी। तो मेमोरी कार्ड खरीदने के टाइम पे आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको देखना है कि मेमोरी कार्ड का रीडिंग स्पीड क्या है और राइटिंग स्पीड क्या है। रीडिंग स्पीड जो होता है वो R से डिनोट होता है किसी भी मेमोरी कार्ड पे और राइटिंग स्पीड डिनोट होता है W से। रीडिंग स्पीड और राइटिंग स्पीड क्या है उसको फटाफट बता देता हूँ। रीडिंग स्पीड का मतलब ये है कि कितनी फास्ट तरीके से वो मेमोरी कार्ड किसी भी फाइल को ओपन कर सकता है या एक फाइल से दूसरे फाइल में स्वैप कर सकता है। और जो राइटिंग स्पीड है वो ये डिटरमाइन करता है कि वो मेमोरी कार्ड कितनी फास्ट तरीके से किसी भी फोटो को या वीडियो को अपने अंदर रिकॉर्ड कर सकता है या क्रिएट कर सकता है। तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जितना ज़्यादा रीडिंग स्पीड है या जितना ज़्यादा राइटिंग स्पीड है वो वाला मेमोरी कार्ड आपको यूज़ करना है। अब रीड और राइट स्पीड के अलावा जिन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है मेमोरी कार्ड परचेज करने के टाइम पे वो है उनके स्पीड क्लास। अब स्पीड क्लास वो छोटे छोटे नंबर्स होते हैं जो मेमोरी कार्ड के बॉक्स पे छपे होते हैं, कोशिश करेंगे उनको एक्सप्लेन करने का। किसी भी मेमोरी कार्ड में 3 टाइप के क्लास होते हैं। सबसे पहला है स्पीड क्लास, इसके बाद आता है अल्ट्रा हाई स्पीड क्लास और तीसरा है वीडियो स्पीड क्लास। सबसे पहले बात करेंगे स्पीड क्लास के बारे में। ये नंबर ये बताता है कि उस मेमोरी कार्ड का मिनिमम राइटिंग स्पीड क्या है। तो अगर उसमें लिखा गया है क्लास 8 या क्लास 10 तो इसका मतलब ये है कि उस मेमोरी कार्ड पे मिनिमम राइटिंग स्पीड है 10 MB/s। इसके बाद आता है UHS स्पीड क्लास यानी कि अल्ट्रा हाई स्पीड क्लास। इसकी मदद से आप ये जान सकते हैं कि कितने कनेक्टर्स अवेलेबल हैं आपके मेमोरी कार्ड पे। UHS 3 का मतलब ये है कि उसमें आपको कुछ एडिशनल कनेक्टर्स देखने को मिलेंगे। और तीसरा है वीडियो स्पीड क्लास, ये नंबर V के साथ दिखाया जाता है। और अगर आपके मेमोरी कार्ड पे V60 या V30 लिखा गया है तो मोटा मोटा उसमें आप 4K रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके मेमोरी कार्ड पे लिखा गया है V90 तो उसमें आप 8K तक रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो अब बात करेंगे कुछ हाइजीन फैक्टर्स के बारे में जो आपके मेमोरी कार्ड के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और बहुत ज़्यादा यूजफुल हो सकते हैं। सबसे पहले मेमोरी कार्ड हैंडलिंग कैसे करना है आपको। जब आप अपने मेमोरी कार्ड केस को खोलेंगे तो अपने मेमोरी कार्ड को आपको इस तरीके से हैंडल करना है और ये इंश्योर करना है कि इस हिस्से में आपको आपके मेमोरी कार्ड को पकड़ना है, इस हिस्से में नहीं पकड़ना है, क्योंकि हाथ में अगर धूल है, मिट्टी है, तेल है तो उससे ये वाला हिस्सा ख़राब हो सकता है और आपका मेमोरी कार्ड भी ख़राब हो सकता है।
इसके बाद हमेशा यह ध्यान रखना है कि अपने मेमोरी कार्ड को जेब में, दांत में, किसी थैली में, किसी पेपर में नहीं रखना है। हमेशा ऐसा वाला केस लीजिए और अपने मेमोरी कार्ड को इसमें अच्छी तरीके से प्लेस करने के बाद ऐसे बंद करके, इसको क्लोज करके किसी को भी दीजिए, ताकि आपकी मेमोरी कार्ड की ज़िंदगी थोड़ी ज़्यादा चले। और अगर आप ऐसे उसको पॉकेट में डाल देंगे तो आपके पॉकेट के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होगा। इसके अलावा अगर आप एक नए शूट पर जाने वाले हैं तो हमेशा इंश्योर करिए कि आपका जो मेमोरी कार्ड है वो फॉर्मेटेड है, या अगर आप एक नया कैमरा यूज़ करने वाले हैं तो उस टाइम पे भी आपको अपना मेमोरी कार्ड जो है इन कैमरा फॉर्मेट करके रखना चाहिए। हमेशा जो पुराना डेटा है उसको निकाल दीजिए नए शूट में जाने से पहले। इसी के साथ चौथे टिप पे आते हैं, और ये जो है एक मेमोरी कार्ड रीडर है जिसको हमें भेजा है प्रो ग्रेड ने, और ये प्रो ग्रेड का मेमोरी कार्ड रीडर है विथ USB-C पोर्ट, यानी कि बहुत फास्ट चलता है। और इसमें आपको एक USB-C पोर्ट मिलता है, इसके साथ साथ आपको यहाँ पे मिल जाता है एक CF Express A कार्ड का स्लॉट, और नीचे आपको मिल जाता है एक SD कार्ड स्लॉट जो कि UHS 2 है। तो अगर आप प्रो ग्रेड के मेमोरी कार्ड्स के बारे में और जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं और इसके प्राइसिंग के बारे में भी जान सकते हैं। अगर आपको और ऐसे वीडियोस देखने हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप और वीडियोस देख सकते हैं। यहाँ पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना। मैं आपसे मिलने आऊँगा बहुत जल्द एक नए वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए।